हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हैं आप सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स एम सी क्यूज़ ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ठीक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंट हो जाता है अपने आप क्योंकि दो में पाँच क्वेश्चन पूछे गए थे जब आपके 120 क्वेश्चन थे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है जिसको डिस्कस कर चुके हैं टाइम टेबल आ चुका है जिसने नहीं देखा देख लो वीडियो ऊपर सजेस्ट हो रही है उसमें 300 मार्क्स हैं तो कुछ नहीं पता अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करता है यूपीएससी ठीक है तीन अनुमान लगाए जा रहे हैं बार बार बोल रहा हूं सौ एक सौ बीस और डेढ़ सौ इन तीन के बीच में क्वेश्चन होंगे अगर डेढ़ सौ होते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हर कॉम्पोनेंट के बढ़ जाएंगे ठीक है और अगर 120 रहते हैं तो वही एक रेशियो एक्सपेक्ट करो जैसे पिछले 2017 वाले में पांच थे उतने ही करो 100 के ऊपर जाने के चांसेस दो कम है या तो वो 120 रखेगा या वो डेढ़ सौ रखेगा ठीक है चलो 10 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में भी प्रोसेस वही फॉलो करना है क्वेश्चन आएगा आपके सामने फटाफट से उसको पॉज करना है समझना है क्वेश्चन को पॉज करना है उसके बाद फिर खुद से ट्राई करना है फिर सोल्यूशन देना है तो पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टोलॉजीज हैज द हाइस्ट रिलायबिलिटी कंप्यूटर कनेक्टिविटी जो होती है वेरियस नेटवर्क एक नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं तो उसको टॉपोलॉजी हम बोलते हैं तो स्टार बस रिंग या मेश कौन सी टॉपोलॉजी है जिसको हाईएस्ट रिलायबिलिटी जिसकी होती है ऐसा कहा जाता है तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मेश टोपोलॉजी टौपालो, ठीक है ये मेश टोपोलॉजी का आपका जो है एक, एक डायग्राम है अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो हर कंप्यूटर अगर आप इनको सबको नंबर कर दो हर कंप्यूटर जो है एक दूसरे से इंडिविजुअली कनेक्टेड है ठीक है सेपरेट फिज़िकल लिंक है हर कंप्यूटर का ऐसा नहीं है कि ये सेम कनेक्ट वायर अगर आप इसको कहो तो ये सेम uh, उससे कनेक्ट हो रहा है हर उससे नहीं हर की कनेक्टिविटी फिजिकल कनेक्टिविटी जो है वो अलग हुई हुई है ये ठीक है ए और बी इससे हो रहा है फिर अगर आप देखो बी और डी के लिए अलग है बी और एफ uh, के लिए अलग है तो हर के लिए एक अलग कनेक्टिविटी है दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी क्योंकि नेटवर्क इसमें uh, डाउन नहीं होगा देखो जनरली अगर सिर्फ ए की फिजिकल कनेक्टिविटी है सारे नेटवर्क सारे कंप्यूटर्स में उस नेटवर्क के तो अगर कहीं पर हल्का सा भी फॉल्ट आया तो सारे के सारे डाउन हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ए और बी की जो कनेक्टिविटी है इसके बीच में कोई इशू आ भी गया तो बाकी बाकियों की कनेक्टिविटी पर उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन फॉलोइ नेटवर्क डिवाइसोल्ड अंसेंट्रेटर इनमें से कौन सी नेटवर्क डिवाइस को कंसेंट्रेटर भी कहा जाता है ऑप्शन ए स्विच ऑप्शन बी राउटर ऑप्शन सी ब्राउटर ऑप्शन डी हब कंसेंट्रेटर कौन सी डिवाइस को कहा जाता है ये एक ऐसी चीज है जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं पर हमें टेक्नो टर्म्स के बारे में नहीं पता होता ठीक है और इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस रहते हैं आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हब तो ये एक कंसेंट्रेटर की इमेज है तो बेसिकली कंसेंट्रेटर आप समझ जाओगे जहां पर एक से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं ऑल राइट इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें अ हब कंटेन्स सेवरल पोर्ट्स फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स टू फॉर्म अ स्मॉल नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके आप एक स्मॉल नेटवर्क बना सकते हो एंड अ सिंपल हब इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंसंट्रेटर ठीक है आजकल बहुत सारी और भी डिवाइसेज आती हैं जिनमें आप देखते हो कि मल्टीपल पोर्ट्स की कनेक्टिविटी होती है जैसे वाईफाई मॉडर्म्स हैं उनके अंदर भी मल्टीपल

अब इसमें प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चन में देखो प्रॉब्लम क्या होती है ये भी बहुत जनरल सा क्वेश्चन है पहले खुद से देखो और आंसर करने की कोश, कोशिश करना फिर आगे सोल्यूशन देखना ठीक है अब ज्यादातर लोगों ने जिनके घर पे वाईफाई कभी ना कभी लगा है कनेक्ट ये जियो वाईफाई एयरटेल वाईफाई नहीं हॉटस्पॉट वाले वाईफाई की बात नहीं कर रहा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की बात कर रहा हूँ तो जैसे बी एस एन एल के ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगते थे तो हम हमेशा जो टर्म हम इंटरनेट लगवाने जाते थे जो लगाने आता था, था टर्म हमेशा यूज हमने सुनी है DSL लेकिन अब इस DSL की फुल फॉर्म अपने को नहीं पता होती ठीक है और एग्जामिनर यहीं पर फंसाने की कोशिश करता है ठीक है अब आपको होगा कि सर ये तो बड़ा टेक्नोलॉ टेक्निकल सा पॉइंट आ गया टेक्निकल नहीं है देखो समझने की कोशिश करो कि ये एप्लीकेशन है जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल हो रही है बस अपने को पता नहीं होता हम खुद भी डीएसएल टर्म बहुत बार यूज़ करते हैं मेरे घर डीएसएल इंटरनेट लगा हुआ है ठीक है तो डीएसएल की फुल फॉर्म नहीं पता होती और यहाँ पर फुल फॉर्म हमें क्या है इसकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन

पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर बात हो रही है यहाँ पर एक वर्ड के डॉक्यूमेंट की एक वर्ड फाइल की उसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन बी पेज लेआउट ऑप्शन सी पेज साइज या फिर ऑप्शन डी पेज व्यू पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होते हैं पेज ओरिएंटेशन पेज लेआउट पेज साइज या फिर पेज व्यू चलिए अब एम एस वर्ड देखो बहुत जनरल सी चीज़ है आप किसी भी ऑफिस में जाते हो किसी भी इंडस्ट्री में घुसते हो तो आपको ये ऐसी चीजें हैं जो इस्तेमाल करनी ही पड़ती हैं ओके okay, तो इसीलिए इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन ठीक है तो इन सारे के सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं तो पेज ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है इज द डायरेक्शन इन विच अ डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड ठीक है पेज ओरिएंटेशन देखो या तो आपका जो है एक वर्टिकल व्यू होता है ठीक है जो मैंने आपको ये दिखाया या फिर आपका एक हॉरिजॉन्टल व्यू होता है है ना तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको वर्टिकल व्यू लेना है या हॉरिजॉन्टल व्यू लेना है सिमिलरली जब आप पेज को प्रिंट कर रहे हो तो आप उसको वर्टिकली प्रिंट करना चाहते हो शीट के ऊपर या आ, ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना चाहते हो ठीक है तो वो आपकी चॉइस होती है एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट दिस इज कॉल्ड पेज ऑरियंटेशन ओके पेज साइज क्या होता है पेज साइज देखो जनरली जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं हम कहते हैं ए फोर शीट हम प्रिंटिंग भी ए फोर शीट के ऊपर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो पेज साइज होता है वो ए फोर का ही होता है और वो क्या होता है एट पॉइंट फाइव बाई इलेवन इंच जब आप ए फोर शीट यूज करते हो तो वो एट पॉइंट फाइव बाई इलेवन इंच की शीट होती है दैट इज द ए फोर ओके अब अगर आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है कि यू नीड लॉन्ग शीट्स तो आप अपना पेज साइज जो है वो चेंज कर सकते हो आप उसको ए थ्री पर लेकर के जा सकते हो या किसी भी साइज के ऊपर लेकर के जा सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट ऑफ एंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट साइज साइज यू नीड तो पेज वो होता है जनरली कई बार पेज साइज से बच्चे कहते हैं कि सर पेज साइज का जो आप टेक्स्ट होता है टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा करने के लिए पेज साइज होता है नहीं वो नहीं होता वो टेक्स्ट साइज होता है अगर पी को आप कितना बड़ा लिखना चाहते हो वो पेज साइज में नहीं आता पेज साइज आपका ए थ्री ए फोर ऐसे होता है उसके बाद आता है पेज लेआउट पेज लेआउट में क्या होता है बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट पेजेस को एडजस्ट कर सकते हो जैसे आप एडजस्ट करना चाहते हो बेसिकली जो ये पेज ऑरिएंटेशन पेज साइज ठीक है आप अपने पेज के ऊपर मार्जिन लगाना चाहते हो आप जो है उसमें लाइन ब्रेक्स डालना चाहते हो लाइन नंबर्स डिस्प्ले करना चाहते हो ठीक है पैराग्राफ आइडेंटी आइडेंटिशन एंड लाइन्स सेट करना चाहते हो तो ये सारी की सारी पेज लेआउट के अंडर होती हैं अगर आपको पेज ऑरिएंटेशन भी करना है तो पेज लेआउट में जाना पड़ेगा तो ये सारी सेटिंग्स पेज लेआउट में होती हैं ओके okay? और पेज व्यूज की अगर हम बात करें तो दे चार पेज व्यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल वेब लेआउट प्रिंट लेआउट और आउटलाइन तो जिस जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपना पेज व्यू जो है वो सेट कर सकते हो तो ये सारे का सारा जो क्वेश्चन था बेसिकली आपका पेज सेटिंग से रिलेटेड था ऑन एम एस वर्ड तो अगर अब आपसे पेज ऑरियंटेशन पेज लेआउट पेज पेज साइज व्यू इनमें से page page layout, page size, page view, इन से किसी से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं वट इज अ टेक्निक दैट इज टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर्स वेयर बाय द इंट्रूडर सेंड मैसेज टू अ कंप्यूटर विद एन एड्रेस इंडिकेटिंग दैट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स तो अनऑथोराइज एक्सेस आपके कंप्यूटर का अगर कोई लेने की कोशिश कर रहा है ठीक है जहां पर जो इंट्रूडर है जो हैकर है वो क्या करेगा वो मैसेज आपके कंप्यूटर में भेजेगा एक ऐसे एड्रेस से विच विल यू नो बेसिकली मेक यू ट्रस्ट कि हाँ ये तो ट्रस्टेड सोर्स है फॉर एग्जाम्पल ई मेल और ई मेल ऑफ वन ऑफ योर एसोसिएट्स एंड देन सेंड सम फाइल टू यू जो जिसमें वायरस होगा या जिसमें कुछ भी मेल कुछ भी हो सकता है ठीक है अल्टीमेटली तो इसको क्या कहते हैं आइडेंटिटी थे फॉर्जिंग आईपी स्पूफिंग या फिर फार्मिंग क्या इसको कहा जाता है देखो जनरल सवाल है साइबर सिक्योरिटी कंसर्न में रहता है सरकारें भी कंसर्न में रहती हैं आजकल साइबर सिक्योरिटी का बहुत थ्रेट रहता है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैकिंग और जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है वो भी मैं आपको कराता रहूंगा कंप्यूटर वाले पार्ट में ही कंप्लीट उसकी आप चिंता मत करना ठीक है तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आईपी स्पूफिंग ऑल राइट तो आईपी स्पूफिंग अगर आप यहां पर इमेज देखो ध्यान से तो यही प्रोसेस है बेसिकली दो यूजर्स हैं यूजर यू एंड यूजर वी दे बोट ट्रस्ट इच अदर ऑल राइट नाउ इफ यूजर यू इज सेंडिंग समथिंग टू यू नो वी जो है एक तरह से यूजर यू का जो सिस्टम है जो आईपी एड्रेस है उसको कर लेगा एंड अल्टीमेटली ही अटैकिंग वी ओके एंड वी विल नाउ बी अक्टिम ओके सो स्पूफिंग को अगर हम डिफाइन करें इट इज अ टाइप ऑफ स्कैम वे आर एन इंट्रूडर अटेम्प टू गेनऑथोराइज एक्सेस टू अम और इन्फॉर्मेशन बाई प्रीटेंडिंग टू बी द यूजर मेन पर्पज इज टू ट्रिक द यूजर इन टू रिलीजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ओके चलिए नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन फॉर अनऑथोराइज कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी यूज फॉर पर्सनल गेन इंस्टेड ऑफ पर्सनल बैकअप अगर आप सॉफ्टवेयर का अनऑथराइज यूज करते हैं पर्सनल गेन के लिए तो उसको क्या कहा जाता है ठीक है कभी ना कभी जितने लोग हम कंप्यूटर यूज करते हैं हमने कहीं ना कहीं टॉरेंट से या इधर उधर से सॉफ्टवेयर फाइल डाउनलोड की इट्स एक्सेप्टेबल फैक्ट तो वी हैव बीन इन्वॉल्व इन वॉट प्रोग्राम थेवरी डाटा स्नैचिंग सॉफ्टवेयर पायरेसी या फिर प्रोग्राम लूटिंग देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कोई बहुत बड़ा आईटी एक्सपर्ट नहीं चाहिए मुझे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पर पेपर का प्रेशर होता है ना ऐसा कि यार फॉर एग्जांपल अगर 120 क्वेश्चन का पे क्वेश्चन का पेपर हुआ ढाई नंबर का एक क्वेश्चन है तो सवाल ढाई नंबर का होता है अच्छा ढाई नंबर के साथ साथ सवाल होता है कि अगर गलत हो गया तो पॉइंट एट थ्री थ्री चला भी जाएगा अगर एक सौ बीस क्वेश्चन है तो ये सारे सवाल और जवाब में जो है बंदा कहता है यार देखो अब करना है या नहीं करना है ना तो आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर पायरेसी ठीक है सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है इसका आंसर रहेगा चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे ईडी बी आई सी कोड कैन सपोर्ट हाउ मेनी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेक्टर्स ईसी कोड कितने डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेक्टर्स जो है वो सपोर्ट करता है इसमें ईडीबीआईसी भी पता होना चाहिए आपको कि ईडीबीआईसी क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं दिखाया टू फिफ्टी सिक्स बी वन फोर्टी नाइन सी वन जीरो टू फोर या फिर डी सिक्सटी फोर बताइए हाउ मेनी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आंसर हेयर विल बी ऑप्शन ए कोड जो है 256 रिप्रेजेंटेशन शो करता है डिफरेंट करेक्टर्स की आंसर देख लेते हैं सबसे पहले ED, की फुल फॉर्म क्या होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड ये एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कम है सिर्फ पाँच से दस परसेंट चांस है कि इतना मुश्किल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पर बीच बीच में हमने मुश्किल क्वेश्चन भी करने हैं ताकि अगर आ जाए तो हम उनको निपटा सकें तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड ये होता है ये एक एट बिट कोड होता है जिसकी अराउंड टू रिप्रेजेंटेशन होती है और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में मेनली यूज किया जाता है अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये जनरल सी बात है ये अपने को पता होनी चाहिए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके एक तरह के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं ठीक है इनकी इन कंप्यूटर्स की काफ़ी ज्यादा लार्ज मेमोरी होती है प्रोसेसर्स भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं एंड यू नो दीज बेसिकली आर डिजाइन टू प्रोसेस बिलियंस ऑफ सिंपल कैलकुलेशंस एंड ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम ठीक है रियल टाइम में बहुत सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इनको यूज किया जाता है ठीक है कॉमर्शियल डाटा बेसिस सर्वर्स ओके ऐसी जगहों पर इनका मेनली यूज़ जो है किया जाता है जहां पर हाई सिक्योरिटी और एजिलिटी चाहिए होती है ओके okay, नॉर्मली घरों में हम नहीं यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को ओके okay, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं विच आर यूज टू प्रोसेस बिलियन ऑफ सिंपल कैलकुलेशन जो स्टैटिक कैल्कुलेशन होती हैं ठीक है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इसीलिए लगाए जाते हैं कि एक ही टाइप का काम होना है लेकिन बहुत लार्ज क्वांटिटी में होना है वहां पर इनको मेनली यूज़ किया जाता है ओके okay, चलिए नेक्स्ट एथ क्वेश्चन विच प्रोटोकॉल इज यूज टू कन्वर्ट आई पी एड्रेसिस टू मैक एड्रेसेस ठीक है आईपी एड्रेसेस टू मैक एड्रेसेस कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है आई पी आर ए आर पी इन ए आर पी और ए आर पी आई पी एड्रेस को अगर आपने मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना है ये मैक जो है मैकबुक वाला नहीं है भैया कहीं इसको कहो कि ये मैकबुक वालों का कुछ अलग से एड्रेस है उसमें कंफ्यूज मत हो जाना ऐसा नहीं है आंसर यहां पर क्या होगा ऑप्शन डी होगा एआरपी ऑलराइट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सो बोथ मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ मशीन ऑन द इंटरनेट ठीक है आईपी एड्रेस तो आप जानते ही हो ऑलराइट right, अब जो मैक एड्रेस होता है ये फिजिकल जो एड्रेस है कंप्यूटर का जो हर कंप्यूटर का यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है जैसे आपका चेसी नंबर होता है ना गाड़ियों का वैसे ही एक तरह से लगा लो कि ये एक डिवाइस का चेसी नंबर होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल मीडिया ये भी पता होनी चाहिए पूछी जा सकती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल और ये हर कंप्यूटर की जो है अलग होती है ये हर कंप्यूटर की अलग होती है किसी भी दो कंप्यूटर्स की सेम नहीं होती जो आईपी एड्रेस होता है कंप्यूटर के जो जिस नेटवर्क से कंप्यूटर कनेक्टेड है यह उसका एड्रेस होता है ठीक है आईपी का क्या फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना तो बेसिकली मैक एड्रेस क्या हो गया मैक एड्रेस हो गया फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर एंड आईपी एड्रेस हो गया जो डिजिटल नेटवर्क है या लॉजिकल एड्रेस है नेटवर्क का ऑल right. तो अगर आप किसी के आईपी एड्रेस से उसके मैक एड्रेस का पता करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ठीक है सो इसमें क्या होता है ये आईपी रूटिंग करता है जिससे आप जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है या मैक एड्रेस है उसको जो है रिकवर कर सकते हो सिमिलरली अगर आपको मैक एड्रेस से मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस जा, जो है कन्वर्ट करना है तो उसमें जो सिस्टम यूज होता है दैट इज कॉल्ड ठीक है फॉर आईपी टू मैक इट इज एंड फॉर मैक टू आई पी इट इज आर एर पी ठीक है तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये भी इसके भी इसके चांसेस थोड़े मुश्किल हो जाते हैं एब्रीवियशन आईएसपी स्टैंड फॉर इंपॉर्टेंट है इस तरह के जनरल क्वेश्चन तो कभी भी पूछे जा सकते हैं ठीक है ऑप्शन इंटरनेशनल स्पाई प्रोजेक्ट इंडियन सोशल प्लानिंग इंटरनेट सोल्यूशन प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ठीक है कंफ्यूजन होएगी तो बच्चों को ए और बी तो वो उड़ा देंगे जो थोड़ा सा भी पढ़ा है ठीक है सी और डी में कंफ्यूजन होएगी ओके तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी किस लिए स्टैंड करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए ओके okay? सो so, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है क्या इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट बेसिकली प्रोवाइड सर्विसेज एक्सेसिंग एंड यूजिंग द इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मेंर्गनाइज इन वेरियस फॉर्म सच एस कॉमर्शियल कम्युनिटी ओन नॉन प्रॉफिट अदरवाइज प्राइवेटली ओन ओके जैसे आप जब बात करते हो कि यार आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है तो आप डिफरेंट कंपनीज के नाम लेते हो ना ठीक है चलिए द टेंथ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बार कोड इज द डैश कोड दिप्रेजेंट डाटा विद बार ऑफ वेरिंग विट बार कोड हमने सब देख, सबने देखा है प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसे कुछ होता है ना लाइन लाइन होती है तो ये किस तरह का कोड है ऑप्शन ए ऑप्टिकल कोड है मैग्नेटिक कोड है लेजर कोड है या फिर रीड और राइट कोड है सिंपल क्वेश्चन है और बहुत जनरल क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ओके आंसर यहां पर क्या होगा आपका ऑप्शन ए ऑप्टिकल बार कोड क्या होता है एक ऑप्टिकल कोड होता है और right. आपने देखा होगा बार कोड रीडिंग मशीन जो होती है वो बेसिकली रीड करती है वो ऑप्टिकल कोड होता है और वो मशीन के थ्रू उस कोड को रीड किया जा सकता है सो अ बार कोड इज एन ऑप्टिकल मशीन रीडेबल

जोर लगा के हमने पढ़ाई करनी है जोर लगा के आपको कंटेंट मिलेगा चिंता आपने नहीं करनी कंटेंट की कमी मैं नहीं आने दूंगा ठीक है कंटेंट चाहे मुझे रात को बैठ करके बनाना पड़े पर कंटेंट आपको रेगुलरली मिलेगा चिंता नहीं करनी प्ले आपकी स्क्रीन पर है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जितना हो सके शेयर जरूर करना ठीक है।, है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय